राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने वाली हूं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए एक कटोरी मिल्क पाउडर ली हूं। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकती हैं, मैं अमूल्या का ली हूँ। और साथ ही हाफ कटोरी दूध ली हूँ। ये हल्का सुसुम है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है। और साथ ही थोड़े से काजू को और एक चम्मच चीनी को मिलाकर मिक्सी में अच्छे से पीस ली हूँ। तो ये इस तरह का हो गया है, इसकी स्टफिंग करूँगी अंदर में। तो चलिए बनाती हूँ। सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए मावा, क्योंकि बिना मावा का तो हमारा गुलाब जामुन नहीं बनेगा। तो मावा बनाने के लिए एक इस तरह का मोटी तले की कढ़ाई ले रही हूँ। उसमें सबसे पहले ये जो दूध ली थी उसे ऐड कर देती हूँ, और साथ ही थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते हुए इसे हमें ऐड कर मिला। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिल्क पाउडर डालते हुए हमें इसका एक स्मूथ घोल तैयार कर लेना है, ताकि कोई लम्स ना रहे। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से सारे को अच्छे से घोल कर तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। सारे मिल्क पाउडर को इस तरह से घोल कर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। अब इसमें एक चम्मच शुद्ध घी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसमें शुद्ध घी ही ऐड करें, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसे भी मिलाकर एक दो से तीन मिनट के लिए पका ले रही हूँ, जब तक कि इसकी थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी ना हो जाए, गाढ़े फॉर्म में ना आ जाए। तो चलिए इसे थोड़ा सा पका ले रही हूँ। मिल्क पाउडर के घोल को गैस पर रख कर, गैस का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा, और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका ले रही हूँ। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है फ्रेंड्स हमें। चलिए इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देती हूँ, तब तक चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। जब तक हमारा मावा तैयार है, ठंडा हो रहा है, तब तक चाशनी बना ले रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी ली हूँ, और एक कटोरी ही इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और इसका एक तार से थोड़ा कम का चाशनी बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। ये एक तार से कम की चाशनी है, हमें बहुत गाढ़ी चाशनी भी नहीं बनानी है और बहुत पतली भी नहीं करनी है। ये देखिए एक तार से थोड़ी कम की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी हरी इलायची कुटी हुई डाल दे रही हूँ, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। चलिए तब तक मावा हमारा ठंडा हो गया है, तो गुलाब जामुन की तैयारी कर लेती हूँ। मावा हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें दो चम्मच मैदा डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच है, और साथ ही इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बस एक चुटकी। इससे हमारा जो गुलाब जामुन बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब थोड़ा सा हाथों में घी लगा कर और इसे हमें अच्छे से मसलना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा घी लगा ली हूँ हाथों में, और इसे हमें अच्छे से मसलना है। तो चलिए इसे मसल कर तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब इसका गुलाब जामुन तैयार करूँ तो ये फटे ना। मावे को मसल कर सॉफ्ट सा डो तैयार कर ली हूँ। इसी तरह का हमें डो चाहिए। अगर आपका डो थोड़ा हार्ड है लग रहा है, तो उसे थोड़ा सा दूध की सहायता से स्मूथ कर लें मैश करते समय ही। अब इसके अब जिस साइज़ के गुलाब जामुन बनाना चाहती हैं अब बना सकती हैं। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, तो मैं छोटे छोटे इसकी इस तरह से लोई कट कर ले रही हूँ। सारे मावे की छोटी छोटी लोई का इस तरह से कट कर ली हूँ। अब जो ये काजू और चीनी को पीस करके रखी थी, इसके भी इस तरह से छोटे छोटे ये बना ले रही हूँ, ताकि बॉल बना ले रही हूँ, ताकि स्टफिंग करने में हमें सुविधा होगी। इस तरह से छोटे छोटे सारे बॉल बना कर तैयार कर लेती हूँ। पहले जो काजू और चीनी पीस के रखी थी, उसके भी छोटे छोटे बॉल्स इस तरह से बना ली हूँ, ताकि स्टफिंग करने में हमें सुविधा होगी। अब थोड़ा सा हाथों में घी लगा कर गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से एक जो मावा तैयार करके रखी थी उसका बॉल्स ले लेती हूँ, और इसके अंदर काजू वाले जो बॉल्स तैयार करके रखी थी उसे स्टफिंग करते रही हूँ।
तो इससे हमारे दो फायदे होंगे, जो गुलाब जामुन के अंदर कभी कभी थोड़े हार्ड हो जाते हैं वो भी नहीं होगा हमारा, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा क्योंकि काजू की स्टफिंग है अंदर में। तो इस तरह से हमें दो फायदे हो जाएंगे। तो चलिए सारे बॉल्स को इस तरह से बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे मावे में काजू वाले बॉल्स को स्टफिंग करके इस तरह से सारे बॉल्स तैयार कर ली हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। गुलाब जामुन डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल को हल्का गर्म की हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और स्टार्टिंग में लो फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो एक एक करके इस तरह से डाल दे रही हूँ और इसे हमें टच नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का हिलाते हुए थोड़ा सा पकाना है। सारे गुलाब जामुन को मैं एक साथ ही डाल दी हूँ। अब इसे इस तरह से हल्का हल्का ऊपर नीचे तेल करते हुए हमें कढ़ाई को ही हिलाना है। बॉल्स को अभी हमें नहीं टच करना है जब तक कि ये नीचे से हल्का सा गोल्डन होकर ऊपर ना आ जाए तेल के ऊपर। और गैस का फ्लेम हम स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये फ्रेंड्स ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अंदर और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और अभी इसी तरह से पका ले रही हूँ। अब एक चम्मच की सहायता से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पलटना है। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से ही पलटें, नहीं तो ये फट जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन हमारे डीप फ्राई हो गए हैं। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई की हूँ। आप भी इसे लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करें। आप चाहे तो रिफाइंड की जगह घी भी यूज़ कर सकती हैं। अब जो इसमें से गुलाब जामुन निकाल करके गरम गरम ही हमें चाशनी में डालना है। चाशनी भी हमारा अभी गर्म ही है तो इसमें डायरेक्ट निकाल कर गरम गरम ही चाशनी में डालूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए सारे को चाशनी में डाल दी हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आपको एक कट करके दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं हमारे रसगुल्ले। एक पीस मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ले लीजिए। देखिए कट कर रही हूँ बीच से, बीच में चूंकि ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे बने हैं, चूंकि अंदर में काजू की स्टफिंग है तो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। ये देखिए कितने स्पॉन्जी और कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी, और घर के बनाए हुए मिठाइयों की तो बात ही निराली है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी से ज़रूर गुलाब जामुन बना कर ट्राई करें और कॉमेंट करके मुझे बताएँ। धन्यवाद।